कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवाने वालों को अब कोर्बीवैक्स नाम की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है। हैरान हो गए ना, लेकिन ये 100% सच तो है ही, साथ ही ये खबर राहत देने वाली भी है। इसीलिए आज 100% बात में बात कोर्बीवैक्स वैक्सीन की, जिसे अब बूस्टर शॉट के तौर पर लगाया जा सकेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। आज तक डिजिटल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए बायोलॉजिकली कंपनी द्वारा तैयार कोर्बीवैक्स बूस्टर टीके को मंजूरी दे दी है। यानी जिन लोगों ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड के टीके पहले लगवाए थे, वो अब कोर्बीवैक्स की खुराक बूस्टर डोज के तौर पर ले सकते हैं। इससे पहले इमरजेंसी में कोर्बीवैक्स के इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI ने परमिशन दे दी थी। DCGI ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को आपातकालीन स्थिति में कोर्बीवैक्स को बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, जिसे अब सरकार की ओर से भी मंजूरी मिल चुकी है। ये वैक्सीन के दूसरे डोज के 6 महीने बाद लगवाई जा सकती है। कोरोना की रोकथाम के लिए मिक्स एंड मैच वैक्सीन कोवैक्स भारत का पहला स्वदेशी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि RBD प्रोटीन सब यूनिटी का है, जिसका मतलब ये है कि ये कोरोना वायरस के एक विशिष्ट भाग यानी विषाणु की सतह पर पाई जाने वाली स्पाइक प्रोटीन से बना है। दरअसल स्पाइक प्रोटीन वायरस को हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करती है। इसके बाद ये मानव कोशिकाओं के अंदर अपनी संख्या को निरंतर बढ़ाते हुए शरीर में बीमारी पैदा करता है। ये प्रोटीन शरीर में दूसरी वैक्सीन की तरह इंजेक्शन के जरिए दिया जाएगा, तो इसके हानिकारक होने की उम्मीद कम है, क्योंकि ये अकेला प्रोटीन बिना वायरस के शरीर के बाकी भागों के लिए रोगजनक नहीं हो सकता है। इस प्रकार से इंजेक्शन में दिए गए स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स विकसित किया जाता है। इसलिए जब असली विषाणु यानी वायरस शरीर को संक्रमित करने का प्रयास करता है, तो बॉडी में पहले से ही एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तैयार होगी, जिससे व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की आशंका नहीं रहती है। कोर्बीवैक्स पूरी तरह से बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल और बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के सहयोग से तैयार की गई है। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत में कोविड-19 के बूस्टर डोज की कमी भी पूरी होगी। इसके साथ ही हमने अपने कोविड-19 वैक्सीनेशन में एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक BE ने भारत सरकार को कोर्बीवैक्स की 100 मिलियन बूस्टर डोज मुहैया कराई है। वहीं देश के वैक्सीनेशन अभियान की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक देश में 96% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है, जबकि 87% आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। इस साल 10 अप्रैल से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। बूस्टर डोज इसलिए जरूरी है क्योंकि कई स्टडीज में ये सामने आ चुका है कि वक्त के साथ साथ कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी कम होने लगती है। ऐसे में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि महामारी को काबू करने के लिए बूस्टर डोज काफी अहम हो जाती है। बहरहाल हमारी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।